बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ये टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर कि व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल टाइप्स आती हैं जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कीबोर्ड, then pointing input devices, microphones, digital cameras, scanners and magnetic stripe card reader. सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is a keyboard. Keyboard एक input device है, इसको primary input device कहा जाता है. Primary क्यों कहा जाता है, क्योंकि first thing जो हमारे mind में आती है, जो हम use करते हैं computer को data देने के लिए या computer के अंदर data डालने के लिए, that is keyboard. कीबोर्ड को अब माइक्रोफोन्स रिप्लेस कर रहे हैं। अब कंप्यूटर को हमने डाटा देना है, डाटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ओके? डाटा के अंदर आपके पास टेक्सचुअल डाटा भी हो सकता है, डाटा के अंदर आपके पास इमेजेस भी हो सकती हैं, डाटा के अंदर आपके पास कमांड्स भी हो सकती हैं, डाटा के अंदर कोई नंबर भी हो सकता है, ओके? तो इमेजेस तो हम कीबोर्ड की मदद से नहीं डाल सकते, लेकिन टेक्स्ट डाटा भी हम कंप्यूटर की मदद से डाल सकते हैं, हम लोग नंबर्स भी कंप्यूटर की मदद से डाल सकते हैं और हम लोग कमांड्स भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेक्स्टुअल डाटा कंप्यूटर को देना है तो यहाँ पे आपके पास कीज बनी हुई है ए टू जी, सारे अल्फाबेट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसकी मदद से आप टेक्स्टुअल डाटा कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर न्यूमेरिक डेटा आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक कीज है, ये सब न्यूमेरिक कीज हैं। इधर भी हमारे पास नंबर पैड है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसके थ्रू आप कंप्यूटर को डाटा इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यूमेरिक डाटा की टाइप है और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं कोई कमांड, तो वो भी आप कीबोर्ड की मदद से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये लिखा है, मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। फिर अगर मैं पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल एंड वी दबाऊंगी तो मेरे पास पेस्ट हो जाएगा। मेरा यहाँ पे पावर पॉइंट का सिस्टम चल रहा है, सेटअप चल रहा है, मैं इसको बंद करना चाहती हूँ तो मैं आर्ट एंड F4 दबाऊंगी तो मेरे पास ये सिस्टम बंद हो जाएगा। तो आपके पास कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होती हैं, ये सारी जो ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं F1, F2, F3, F4, इन सब को हम कहते हैं फंक्शन कीज। ये हमारे पास यहाँ पर होती है एंटर की, ये हमारे पास एरोज हैं जो कि ऊपर नीचे मूव करवाते हैं हमारे पास, ठीक। यहाँ से हमें प्रिंट स्क्रीन की है जिसके थ्रू हम लोग अपने स्क्रीन की पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं, उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ओके? इसके अलावा यहाँ पे आपके पास सारा कैरेक्टर का की, कैरेक्टर की पैड है, इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं आपके पास। फिर यहाँ पे कंट्रोल कीज होती हैं आपके पास, ओके? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करती हैं जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को डाटा एज एन इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। Pointing input devices are used to control the movement of pointer to select items on a screen or open computer programs or files. For example, मेरे पास यहाँ पर एक pointer मैं use कर रही हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से आप सबको मैं दिखा सकती हूँ कि अभी हम pointing input devices पढ़ रहे हैं, then हम mouse पढ़ेंगे, then हम ट्रैक बॉल पढ़ेंगे, जॉयस्टिक को पढ़ेंगे। तो ये सारी डिवाइसेस क्या कर रही हैं, मेरे कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं कि मैं ऊपर की तरफ जा सकूं, मैं राइट की तरफ जा सकती हूं, मैं लेफ्ट की तरफ जा सकती हूं और मैं डाउनवर्ड मूव कर सकती हूं, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन में मूव कर सकती हूं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस की मदद से। इस टाइम मेरे पास लैपटॉप है और टच पैड है, टच पैड पर मैं अपनी फिंगर मूव कर रही हूँ जिसकी वजह से ये पॉइंटर स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा है, ओके? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस आपकी पॉइंटर की या आपके कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। जो कॉमनली यूज्ड हैं
हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस के अंदर माउस आ जाता है, ट्रैक बॉल्स, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड टच पैड। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। अब ये हमारे पास है माउस। माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दैट डिटेक्ट्स मल्टी डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू अ सर्फेस। इसका क्या मतलब है, ये हमारी सरफेस है, ठीक है, ये स्क्रीन है जिस जो हमारी सरफेस है इस टाइम। ये सरफेस हमारी क्या है, इस टाइम स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रही, ओके। एंड ये कर्सर हम स्क्रीन के ऊपर मल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, मल्टी डायमेंशंस में मूव कर रहे हैं हम, राइट लेफ्ट, ठीक है, पूरा 3D हर किस्म का मोशन इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं अपने कर्सर का। तो माउस क्या कंट्रोल कर रहा है, हमारे कर्सर की मूवमेंट को मल्टी डायमेंशनल वे में। अब माउस में हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज दिस, जिसके अंदर एक बॉल एग्जिस्ट करती थी और इस बॉल के मूव होने से आपका कर्सर मूव करता था। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल माउस, जो कि अब इन यूज है। तो ये वाला जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो गया है ये माउस की टाइप, ओके। और ये इसके अंदर हमारे पास जो ये ऑप्टिकल माउस है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनर्स, ओके। ऑप्टिकल स्कैनर्स हमारे पास, और सॉरी ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं, इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ओके। तो अब हमारे पास माउस की दो टाइप्स हैं, एक ये वाली ऑब्सोलीट हो चुकी है जिसके अंदर रोटेटिंग बॉल थी, अब हमारे पास आ गए हैं ऑप्टिकल माउस। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है ट्रैक बॉल। ये बहुत इजी टॉपिक्स है, नॉर्मली आप लोगों को पता होता है, बट क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है तो हमने इनको गो थ्रू करना है, हो सकता है कि किसी को ना पता हो तो उसके लिए भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है वो ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल कि जो ये नीचे वाली सरफेस है ये स्टेशनरी होती है, ये मूव नहीं करती, ओके। इसके ऊपर हमारे पास ये एक बॉल एग्जिस्ट करती है, ये रोटेटेबल बॉल होती है, ओके। तो इस बॉल के ऊपर हम अपनी फिंगर्स मूव करते हैं और फिंगर्स की वजह से ये बॉल जो मूव करेगी उसकी वजह से आपका जो कर्सर है या जो भी चीज है वो रोटेट होगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बटन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, किसी चीज को सिलेक्ट करना है, किसी चीज को कॉपी पेस्ट या इस टाइप के लोग परफॉर्म करने ऑपरेशन, तो आप इनकी मदद से कर सकते हैं। इसी तरह माउस में भी हमारे पास बटन्स एग्जिस्ट करते थे, फॉर एग्जाम्पल ये माउस है तो इसके भी यहाँ पे बटन्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से आप राइट क्लिक कर सकते हैं, अगर राइट साइड पे क्लिक करें या लेफ्ट साइड पे क्लिक करें तो लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, और ये क्लिक करके आप मल्टीपल सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ राइट लेफ्ट क्लिक करके आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कॉपी करना है तो मैं राइट क्लिक करके कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है एक जॉयस्टिक। जॉयस्टिक नॉर्मली हमारे पास गेम्स में यूज होती है, ठीक है, कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए। इसकी भी नीचे वाली सर्फेस हमारे पास स्टेशनरी होती है, इसको हम एक टेबल पे फिक्स कर देते हैं, ठीक, और ये इसकी एक स्टिक है, इस स्टिक को हम रोटेट करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं। इस स्टिक की मूवमेंट की वजह से आपकी स्क्रीन पर मूवमेंट अकर होगी, ओके। ये भी एक हैंडहेल्ड डिवाइस है कि आप इस स्टिक को अपने हाथ में ले सकते हैं और इसको किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। आप इसके स्टिक के मूव होने की वजह से आपकी स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, एक आप गेम खेल रहे हैं, एक पर्सन को आपने मूव करवाना है तो इस स्टिक को मूव करके आप इस पर्सन की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है आपके पास वो है टच स्क्रीन, ठीक है। अ टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन, ओके। यहाँ पे इमेज गलत इंसर्ट हो गई है, टच पैड की इंसर्ट हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि टच स्क्रीन हमारे पास क्या होता है। टच स्क्रीन बेसिकली
कंप्यूटर की स्क्रीन है या फिर आपके मोबाइल फोन्स की स्क्रीन है लाइक दिस, जिसके ऊपर आपने किसी आइटम को अगर सेलेक्ट करना है तो आप उस आइटम के ऊपर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेनली आप जो इनपुट इसमें देंगे वो अपनी फिंगर्स के थ्रू देंगे और स्क्रीन के ऊपर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यूजर यहाँ पे ना स्क्रीन के साथ क्या कर रहा है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं यूज कर रहे, ना ही माउस यूज कर रहे हैं, ना ही आप कोई ट्रैक बॉल, ना ही जॉयस्टिक, ना ही कोई लाइट पेन, कुछ भी यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो हमने देखना है दैट इज लाइट पेन। लाइट पेन, इट लुक्स लाइक अ पेन विद अ फोटो सेल एट इट्स टिप। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये लाइट पेन बिल्कुल एक नॉर्मल पेन की तरह है और यहाँ पर इसके लगा हुआ होता है फोटो सेल। ये फोटो सेल बेसिकली इंटरेक्ट करता है आपकी स्क्रीन के साथ, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन या आपकी टैबलेट्स के साथ ये इंटरेक्ट करता है और ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, जिससे आप पेन से ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस कर्सर के थ्रू अगर लिखने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं इतना सही तरीके से नहीं लिख सकती, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक पेन होगा तो मैं बहुत नीट वे में, बहुत एक्यूरेट वे में लिख सकूंगी। इसी तरह लाइट पेन आपको ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। और ये ज्यादा यूज इसका कहाँ पर है, इंजीनियरिंग में इसका यूज है फॉर डिजाइनिंग पर्पस, ठीक। जहां पे आपने कोई डिजाइन करना हो इंजीनियरिंग के फील्ड में, वहां पे लाइट पेन ज्यादा यूज होते हैं। और ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे फोटो सेल, हम इन सारी इनपुट डिवाइसेस की डिटेल वर्किंग में नहीं जा रहे क्योंकि आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, अदरवाइज हर एक डिवाइस के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर बन जाएगा क्योंकि हर एक की एक डिटेल वर्किंग है। नेक्स्ट हमने देखना है कि टच पैड क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके लैपटॉप्स के साथ एक छोटा सा पैड होता है, इस पैड पर आप अपने फिंगर्स मूव करें तो आपके आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि आपकी मूवमेंट को, अगर यहाँ पे फिंगर्स मूव करी है कोई भी पोजीशन को फिंगर की, ये क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। अगर फिंगर अपवर्ड मोशन में, जैसे मैं अभी अब टच पैड यूज करते हुए ऊपर के डायरेक्शन में अपनी फिंगर मूव कर रही हूँ तो ये कर्सर ऊपर जा रहा है, अगर मैं नीचे की तरफ लाऊंगी तो कर्सर नीचे जाएगा। तो टच पैड बेसिकली मल्टी डायरेक्शनल वे में आपकी फिंगर की मोशन को सेंस कर सकता है और इसी बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को वो कंट्रोल करता है स्क्रीन के ऊपर। और इसके साथ साथ इधर हमारे पास दो बटन्स भी होते हैं, ठीक। जिस तरह माउस में आप बटन से राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, अच्छा टच पैड में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स क्या होते हैं, माइक्रोफोन में आप इसको क्या देते हैं, वॉइस देते हैं, ठीक। और ये वॉइस को कहाँ तक पहुंचा देता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के तक, ठीक। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो भी हम इसको वर्ड्स इसको बोलते हैं ये उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है, और डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर की तरफ चला जाता है क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, वो डिजिटल डाटा को एज एन इनपुट लेता है। तो माइक्रोफोन आपकी वॉइस को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। ओके, वॉइस को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो एक डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा इज अ कैमरा दैट कैप्चर्स पिक्चर्स एंड स्टोर्स देम इन डिजिटल फॉर्म। इसके बाद साथ साथ जैसे कि हमारे पास माइक्रोफोन कन्वर्ट कर रहा है वॉइस को किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, तो डिजिटल कैमरा हमारे पास इमेजेस को कन्वर्ट करता है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। ये कोई भी पिक्चर ले लेगा, जैसे इधर आप कार की पिक्चर देख रहे हैं, कार की पिक्चर कैप्चर की और डिजिटल फॉर्म में अपने पास स्टोर कर ली। अब इस इन पिक्चर्स को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है।
और इसके साथ साथ इसके पास एक स्क्रीन होती है, ठीक है। ये स्क्रीन है, इसके ऊपर आप सेलेक्ट करके यहाँ से अपनी जो पिक्चर्स आपने कैप्चर की हैं उनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्कैनर्स क्या होते हैं। स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है, ओके। और ये क्या करती है, ऑप्टिकली स्कैन करती है आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी क्या होती है, जो हमारे पास पेजेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जो कि कंप्यूटर के अंदर है, ठीक। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं, एक पावर पॉइंट की स्लाइड देख रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉपी है। जो आपकी बुक है वो क्या है, आपकी हार्ड कॉपी। तो स्कैनर्स का काम है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये बेसिकली स्कैनर्स क्या करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं, ठीक है। स्कैनर्स के अंदर लगे हुए होते हैं हमारे पास डायोड्स। इन डायोड्स का काम है लाइट को सेंस करना, ठीक है। स्कैनर्स लाइट को सेंस करते हैं, लाइट सेंस करते हैं, देन इस लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और बाइनरी फॉर्म से आपके पास इमेज फॉर्म हो जाती है। इसके हमारे पास हैंडल स्कैनर्स, इसमें स्कैनर्स में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, हैंड हेल्ड स्कैनर्स और फ्लैट बेड स्कैनर्स। हैंडल स्कैनर्स हमारे पास जो होते हैं उनको हम लोग अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, और हाथ में पकड़कर हमने जिस भी चीज़ को स्कैन करना है उसके ऊपर हम लोग स्कैनर को मूव कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम जो हैंडल स्कैनर की मूवमेंट है ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। एक ही स्पीड में आप मूव करें, ये नहीं कि आप एक बार आराम से मूव करें फिर एकदम से तेज मूव करना शुरू कर दिया, फिर आराम से मूव करें फिर तेज, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो डिस्टर्ब बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर में जैसे आप देख सकते हैं कि आप हार्ड कॉपी को स्कैनर के अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक, एंड देन इसको ऊपर से लिड क्लोज करके स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे ग्लास होता है, ठीक है, और उसको ग्लास के ऊपर आप अपनी इमेज को प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे लाइट इसको रिसीव होती है, और लाइट की मदद से हमारी पिक्चर स्कैन हो जाती है, मतलब कि सॉफ्ट कॉपी में मूव हो जाती है। ऊपर एक कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कि ग्लास के साथ उसको मूव कर रहा है, और उसकी मूवमेंट की वजह से वो इसकी पिक्चर कैप्चर कर लेता है, ठीक है। सारे के सारा एरिया जितना भी इस पिक्चर का है वो कैमरा रीड कर लेता है। नेक्स्ट हमने देखना है बार कोड रीडर को। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारे पास है बार कोड रीडर। इसका काम क्या है, बार कोड्स को रीड करना। बार कोड क्या होती है, आप कोई भी आप आइटम लें, ठीक है, आप कुछ भी चीज लें उसके ऊपर आपके पास बार कोड्स होते हैं। बार कोड्स के अंदर एक आइटम की नाम, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कि एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सारी की सारी एग्जिस्ट करती है, ओके। बार कोड्स के अंदर प्राइस नहीं होती, क्योंकि प्राइस आप लोग की चेंज होती रहती है, और बार कोड आप लाइक वंस बार कोड एक आइटम के ऊपर आप इंस्टॉल कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। कोई भी बॉक्स लें, फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं किसी भी केक का बॉक्स लेते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आपका यहाँ पे बार कोड एग्जिस्ट कर रहा होता है आप उस बॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट जो हमने देखनी है इनपुट डिवाइस वो है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर ये है हमारे पास, इसके ऊपर हम अपने कार्ड को
स्ट्राइप करते हैं, ओके यहाँ पे हम मूव करते हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। मूवमेंट की वजह से ये जो स्ट्राइप कार्ड रीडर है ये रीड कर लेता है इस कार्ड को, ओके। कार्ड के ऊपर हमारे पास होती है मैग्नेटिक स्ट्राइप्स, और इस स्ट्राइप्स के अंदर, इन स्ट्राइप्स के अंदर सारा डाटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इनकोड हुआ हुआ होता है। तो ये जो स्ट्राइप कार्ड रीडर है ये इस डाटा को, इनकोडेड डाटा को डीकोड करके अपने पास इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता है। आपके एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, वीजा कार्ड्स एंड मास्टर कार्ड्स, इसके अलावा बहुत ज़्यादा लाइसेंस, आपके ड्राइवर लाइसेंस, ये सारे आपके पास मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आउटपुट डिवाइसेस इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, एंड इफ कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन हैं तो आस्क। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।